नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो गवर्नमेंट ने फोर्थ फ्लोर के ऊपर बैन लगा दिया था बनाने का, तो उसके ऊपर कुछ न्यूज आई है DTCP की तरफ से। तो आज हम उसके ऊपर एक छोटा सा ये न्यूज है जो डिस्कशन है ये करते हैं। तो दोस्तों, अब DCP ने एक नया आदेश जारी किया है कि हरियाणा सरकार ने जब पिछली साल जो चार फ्लोर की जो बिल्डिंग बनती थी यानी फोर्थ फ्लोर पे, उसके ऊपर रोक लगा दी, लेकिन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का भी ये कहना है कि बिना अनुमति के जो चौथा फ्लोर जो बनाया गया है उसको गिराने के आदेश दिए जाए। यानी 23 फरवरी 2023 को हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य भर में चार फ्लोर के नए बिल्डिंग प्लान्स को पूर्ण रूप से रोकने का फैसला किया था। लेकिन यह कार्रवाई इसलिए भी की गई थी क्योंकि लोगों ने महसूस किया था कि जो नए बन रहे जो चार फ्लोर की जो बिल्डिंगें हैं उनमें सुविधाएं कम हो रही हैं और इसकी कमी भी हो रही है। भाई, सरकार ने वैसे 2019 में एक एक्ट बनाया था जिसे चौथी मंजिल बना सकते हैं। पहले जिसने भी सेक्टर और जो बिल्डर कॉलोनियां हैं उनमें सिर्फ तीन फ्लोर बनाए जा सकते थे, लेकिन बाद में सरकार ने चौथी मंजिल का भी कंसेप्ट दिया था। और अब TCP कहता है कि जब चार फ्लोर बनाने पर रोक लगा दी गई तो फिर भी ज़्यादातर जो प्लाट के जो ओनर हैं उन्होंने बिना अनुमति के चार फ्लोर बना दिए, बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। एक और बात तो ये है कि जो आर्किटेक्ट हैं उसने खुद ही इस प्रॉपर्टी के लिए OC अप्लाई कर दिया। यानी अधिकारियों का जो कहना है कि DTCP अब जितनी भी बिल्डिंग को जारी किए गए थे OC उनको रद्द करेगा और बिना अप्रूवल लिए चार फ्लोर बनाने वाले मालिकों को वो भी ब्लैक लिस्ट में डालने की बात चल रही है। इस साल मार्च में एक बैठक हुई थी यानी 2024 में, तो चंडीगढ़ में DTCP के एक मुख्यालय थे, उसे स्पष्टीकरण मांगा था कि जिसने भी बताया गया है कि कई प्रॉपर्टी मालिकों ने सोचा कि स्टिल जो चार फ्लोर बना लेते हैं फिर से आएगा। यानी उन्होंने सोचा भाई चार अभी बना लेते हैं क्योंकि अप्रूवल आ जाएगा, इस वजह से उन्होंने पहले ही चौथी मंजिल बना दी। अब टाउन प्लानर कहते हैं कि जो मामला आया है उसके जवाब मांगो भाई, उसमें से कुछ में से स्टेट प्लस तीन जो मंजिल के लिए जो बिल्डिंग प्लान स्वीकार किए गए थे, लेकिन जो मालिक हैं ओनर हैं उन्होंने OC के लिए आवेदन करते समय एक कंपोनेंट फीस होती है उसको भरने के इरादे से चार फ्लोर बना दिए। कई बिल्डिंग मालिकों ने आर्किटेक्ट से OC भी प्राप्त कर लिया था, लेकिन DTCP ने कहा कि ये गंभीर उल्लंघन है भाई। और गुड़गांव DTCP के वरिष्ठ टाउन प्लानर ने कार्रवाई रिपोर्ट भी मांग ली इसके ऊपर, जिसने OC को रद्द करना और आर्किटेक्ट के खिलाफ भी कार्रवाई शामिल है। यानी जो जिला नगर नियोजक होता है उसके जो है जो राजे कौशिक ने बताया कि आदेश का जो पालन करेगा और 10 दिन के भीतर रिपोर्ट भेज देंगे। आर्किटेक्ट को भी यह जानकारी दी गई कि जो रोक के बाद ऐसी किसी भी बिल्डिंग के लिए OC जारी नहीं है, लेकिन किए जाने चाहिए थे लेकिन नहीं किए। आदेश के अनुसार OC जारी करने वाले जो आर्किटेक्ट हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, ऐसे भी रियल स्टेट न्यूज़ जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फिर मिलेंगे ऐसे ही छोटी सी न्यूज़ के साथ। थैंक यू।